Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. नमस्कार जी, यह पेशर रिपोर्टर, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ये हमारा बहुत स्पेशल सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई, और इसके जरिए हम आपको बताएंगे कि सेक्शन 375 ये फिल्म जो है मर्जी या जबरदस्ती, मतलब अपनी मर्जी से देखेंगे या फिर जबरदस्ती देखने जाएंगे। ये फिल्म जो है बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दे पर बनी हुई है, जहाँ पे कोर्टरूम ड्रामा है, और हिंदी सिनेमा में जो है कोर्टरूम ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है। हिंदी सिनेमा में नहीं, वर्ल्ड सिनेमा में, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक सेट लगा हुआ है, जजेस बैठे हुए हैं, एक वकील बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, मेरे काबिल दोस्त ये और वो, लेकिन इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही भारी भरकम है। अक्षय खन्ना कमाल के एक्टर हैं, उन्हें तो बार बार काम करना चाहिए। ऋचा चड्ढा ने दिखाया कि भाई वो भी एक मंझे हुए एक्टर के सामने बहुत समझदारी के साथ वो काम कर सकती हैं, और अच्छा अभिनय उन्होंने किया। और मीरा चोपड़ा एंड राहुल भट्ट भाई जो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कैसे वो जो रेप हुआ था असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का, या फिर उसने कंसेंट के साथ किया था, उस पर पूरी बहस है कि कैसे पता लगाया जाए कि वो रेप था या फिर मर्जी से था या फिर ज़बरदस्ती था, है ना। विल और कंसेंट के बीच की जो बारीकियाँ हैं वो सामने आ रही थी। जो फिल्म का ट्रेलर बता रहा है वही पूरी कहानी है, लेकिन ड्रामा अपने आप में इतना आपको पकड़ता है कि आप फिल्म देखने में मजबूर हो जाते हैं। फिल्म सीरियस है, कुछ बहुत हैवी डायलॉग्स हैं, दैट वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ, कुछ इस तरह के कि जस्टिस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ, कुछ इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। तो जिन्हें कोर्टरूम ड्रामा बहुत पसंद है, जो अक्षय खन्ना के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें। एंड ये इशू अपना बहुत सेंसिटिव है, सदियों से चला आ रहा है कि रेप साबित किया जाए तो कैसे साबित किया जाए, आपको साइंटिफिक प्रूफ्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कंसेंट हैं या फिर वो जो विक्टिम है उसको किस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है कोर्ट में, वो सारी हरकतें इसमें भी हैं, और कैसे कॉन्शियंस जागता है नहीं जागता है, वो सारे मुद्दे हैं। तो इस फिल्म को आप देखें, और ये फिल्म एंटरटेनिंग है, मतलब आपको बांध के रखती है, एक सवाल आपके मन में ज़रूर खड़ा करती है, बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक ठाक है, तो उस लिहाज से आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और इस हफ्ते आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक कॉमेडी फिल्म है हल्की फुल्की सी ड्रीम गर्ल, दूसरी है बड़ी अच्छी ज़बरदस्त फिल्म सेक्शन 375, तो आप चुनाव करें या फिर दोनों ही देखें, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको कैसा लगता है हमारा ये स्पेशल सेगमेंट, ये आप हमें बताएं, सब्सक्राइब करें पेज 3 रिपोर्टर, हमें डांटें, हमें सुधारें। हम बहुत सारे और भी अलग वीडियोज़ जो हैं वो हमारे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनकी लाइफ से जुड़े हुए जो हैं वो हम अपलोड करते हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देखें, अप्रिशिएट करें और बताएं कि हम और क्या नया कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई रिलीज की, सॉलिड रिपोर्ट कार्ड हम आपको देंगे।